यहीं पे रुकने वाले हैं? यस बॉस। जगह अच्छी है, इसे ऐसे नहीं खुलवाओगे? खुलवाएंगे बॉस, अभी हमारी। ठीक है, तुम ऐसा करो, हाँ अपने काम से निकलो। अच्छा बॉस, जाओ। और ऐसा करो, थोड़ा बहुत माल दिखाओ, कैसा है माल? ठीक है या नहीं? माल दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। अरे सैंपल निकाल, सैंपल भाई ने सैंपल ही कहा यार। तो निकालता हूँ थोड़े बहुत, जल्दी निकाल। बॉस ये है, इसमें 10 करोड़ का माल है, उसमें 20 करोड़। ठीक है ना? लग तो रहा है। हाँ ठीक है, ये ठीक से चेक करो। ठीक है, जब हम भाई क्योंकि जब हम तो तुझे मालूम है छोटे, जब हम पिछली बार लंगर वाले टूर पे गए थे तब तो हमारा 50 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही लोग थे तब भी? नहीं, फिर भी बहुत टूर बहुत लंबा था और ये भी बहुत टूर लंबा है। तो फिर है तो ऐसा करो, इसे ठीक से चेक करो, खोल के चेक करो। उसे खोल के चेक करते हैं। हमारा पैकेट भी इतना मजबूत है कि वो फैल ही नहीं सकता। अब भी आप घाटे में नहीं जाओगे बस? ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से देख लेना फिर भी। अगर आपको पिछली बार हमारी गाड़ी यार घाटे में इसलिए यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर वन का माल है। देखो बिजनेस में तो घाटा और फायदा तो चलता रहता है, वो चलता रहता है। फिर भी भाई के पास कोई सान सौकत कम नहीं है, माल में कोई कमी नहीं मिलेगी मेरे। तुम भी खुश, हम भी। अरे ये तो होता रहता है, माल में कोई कमी नहीं मिलेगी। मनी यस बॉस, तो तुम एक काम करो, हमारे माल का थोड़ा सा सैंपल लेके जाओ और किसी दुकान पर देखो कि इसे कोई बेचेगा, आधे में बेचे या फिर 50% ले या फिर 25% ले, उसे मतलब उससे डील कर लो। अच्छा ठीक है ना? ठीक बॉस। हाँ, और तुम ये जो माल है ना अभी इसे रख दो, उसके बाद हम अगर हमारा काम अच्छा चलेगा तो हम और मंगाएंगे। ओके बॉस, ठीक है, चलो तुम अपने काम पे लग जाओ। हाँ मनी, तुम जाओ किसी शॉपकीपर को देखो। ठीक है बॉस, ये बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके बॉस, जाओ। मनी एक मिनट। यस बॉस। वो अगर मानता नहीं है कि ये बेचेगा नहीं, ठीक है ना? जी बॉस। तो उसे ज़्यादा नहीं 50% 60% 70% जितना आए ना उतना देना, लेकिन इतना आए कि वो अगर 100% की कह रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं, दूसरे शॉपकीपर देख लेना। ठीक है ना? अच्छा, अरे बॉस अगर 100% कहेगा तो हमको क्या मिलेगा उसमें? वो ही तो मैं कह रहा हूँ। और ये क्या कर रहा है? अरे इसे फेंक दे, ये बेकार हो गया, हटाओ इसे। नहीं, नहीं, कर क्या रहा है तू? तो ये नहीं मालूम ये मैं ये। मनी यस बॉस, सावधानी से जाना। अगर तुम्हें कहीं पे पुलिस दिखती है, अगर चेकिंग चल रही है जी बॉस, तो उन्हें ठीक से बातों में लगाना, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं ऐसे दिलवा देना बॉस। ठीक है ना? ठीक है बॉस, समझ गया ना? समझ गया। उनका ठीक से उनकी खातेदारी करना। ओके ओके बॉस, जाओ तो अपना काम करो। हाँ क्या ये? मैंने पूरी बात कर दी लेकिन तूने ये, इसको पता नहीं है अभी। मुझे मालूम नहीं है कि मेरा भाई ये बंद नहीं होने देता है, तू है के? सुन ले, हिसाब से रहे। ये मेरी आधी जिंदगी है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। क्या करता है ये? ठीक है बॉस, चल मेरे रहने का बंदोबस्त करो, मेरे भाई का भी। यस बॉस, जल्दी निकल, चल जल्दी बॉस, चले भाई चलो। Thank you.
और भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ यार। क्या बात है, कैसे दास बैठे हो? वैसे भी तो काम धंधा चल नहीं रहा है। मेरा एक काम करोगे? बताओ भाई कौन सा काम करना है? कुछ नहीं भाई, खाली बैठा हूँ तो तुम्हारा काम कर दूंगा। वैसे भी तो बैठा हुआ हूँ खाली। अरे मैं तुम्हें ऐसे नहीं बैठने दूंगा, मेरी एक चीज़ है वो बेचनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ बेचनी पड़ेगी तुम्हारी? ये क्या चीज है? ये ड्रग्स है, इसको बेचूंगा भाई। मैं नहीं बेचूंगा भाई इसको, पुलिस पकड़ ले जाएगी मुझे। अरे भाई ये बेच लो, माला माल हो जाओगे। नहीं भाई मैं नहीं बेच सकता इसको, ये गैर कानूनी है। अरे भाई बेच ले। अरे चल 25%। नहीं भाई मैं नहीं बेच सकता इसको। अरे यार बेच ले यार 50%। चलो देखता हूँ, काम धंधा है नहीं, इसको ही बेच लूंगा जब तक। तुम्हारी बात डन। ओके भाई। ऐसे ही हफ्ते से हफ्ते में तुम्हें ड्रग्स देता जाऊंगा और तुम सप्लाई करते जाना। ठीक है भाई। यार बहुत देर से थोड़ा हल्का। अरे लोग इतनी पी लेते हैं, पीने के बाद होश नहीं रहता, कहाँ पड़े हैं। अरे भाई भाई उठो, कहाँ पड़े हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम। अरे ये तो मर गया, अब इस EIF को कॉल लगाता हूँ। हेलो हेलो सर, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। हाँ सर। तुमने कॉल किया था? जी सर। यही लाश है? हाँ सर यही लाश है। आकाश क्या सर, बॉडी को चेक करो। ओके सर। समित जी सर, बॉडी पे कहीं निशान तो दिख नहीं रहा है। नो सर। तो देखो ठीक से पूरी बॉडी चेक। सर ना इसके शरीर पर चोट का निशान और ना किसी हाथापाई के निशान है सर। लाश भी है और ठीक है, किसकी मौत? सर कोई भी निशान नहीं हो, ना किसी से हाथापाई में कुछ। समित जी सर, एक काम करो, इधर उधर चेक करो, देखो कुछ मिलेगा। ओके सर। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और समित तुम्हें लाश तुमने दे दी, तुम यहाँ करने के आए थे?
सर मैं इधर से गुजर रहा था तो मैं हल्का होने के लिए रुका तो अचानक मेरी नज़र इस व्यक्ति पर पड़ी तो मैंने इसको आकर देखा और मैंने इसे उठाने की कोशिश की मगर ये मर चुका था। जब तुम आए तब ये मर चुका था? जी सर। आपके आने से पहले इसके साथ कोई था? नो सर, कोई नहीं था इसके साथ। शायद किसी को देखा हो तुमने? नहीं सर, मैंने आसपास किसी को नहीं देखा। सोचते बताओ, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? सर मैंने इधर से किसी को भागते हुए नहीं देखा। तो ये यहाँ पे अकेला था? जी सर, यहाँ ये अकेला पड़ा था। एक बात और, इसको तुम जानते हो? नहीं सर, मैं इसको शायद कहीं देखा हो आसपास। सर नहीं देखा। आकाश यस सर, एक काम करो, इस बॉडी को फिर से चेक करो और ठीक से चेक करो और बैग भी। सर इसी पॉकेट में कुछ लग रहा है। सर ये क्या है पाउडर सा? इस पाउडर को तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। रखो। पर एक बात आकाश, इस बैग में कॉपी किताब के अलावा और कुछ नहीं है। और ड्रग? ये स्टूडेंट का। इस पाउडर के बारे में और इस लाश के बारे में डॉक्टर साहब ही पता लगा पाएंगे। इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? एक काम करो, इस बॉडी हुआ तो हुआ कैसे? ना कोई हमें चोट लगने का निशान, ना कोई कहीं हाथापाई का निशान। हुआ तो हुआ कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। और वहां पर उससे भी पूछा था हमने, तब उसने बताया था कि कोई नहीं था उसके पास। उसकी मौत हुई तो हुई कैसे? ना हमने आसपास भी देखा था कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला था। ना उसके बैग में कुछ था, लेकिन उसके पॉकेट में एक पाउडर सा कुछ पास मिला था। हाँ सर। सर उसी से हुई हो? सर इसका इसके बारे में तो सर डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। सर लाश के पास पाउडर कैसे मिलेगा? वही तो, कुछ तो है। वो कुछ और ही तो नहीं है सर? हो सकता है। अरे जी सर, वो हमें स्टूडेंट लग रहा था। स्टूडेंट? हाँ सर, वो यूनिफॉर्म में तो नहीं था। और सर मैंने उसके बैग चेक किया था, उसमें कॉपी किताब के सिवा और भी कुछ मिला नहीं। शायद सर वो कोचिंग से आया। हो सकता है कोचिंग से आया हो, इसीलिए वो यूनिफॉर्म में नहीं था सर। हाँ कोचिंग से आया होगा, लेकिन एक बात उसमें कॉमन लग रही है मुझे कि उसके पास जो हमें पैक में मिला था उसमें है तो है क्या? सर वो तो कोचिंग जाता था और कोचिंग में अक्सर पढ़ाई होती है, उस पास का क्या करेगा वो? वही तो, शायद कोचिंग में किसी ने दिया हो सकता है, या फिर ये कोचिंग के बहाने किसी से मिलने गया हो। मिलने गया हो, कोचिंग जाता ही ना हो। हो सकता है सर को कोचिंग गया था, कोचिंग से उस पाउडर का क्या ताल्लुक? वही तो, उस पाउडर के अलावा हमें और भी कुछ नहीं मिला। हमने इधर उधर भी देखा और चेक किया, और किसी से मिलता भी तो ज्यादा बुक शेयर करता या फिर पेन वगैरह। लेकिन पाउडर कहाँ से आया उसके पास? और क्या सारा का सारा राज उस पाउडर में है? सर उसके शरीर पर कहीं चोट का भी निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है सर? ना कोई चोट, ना कोई जख्म, फिर कैसे उसकी मौत हो सकती है? सर अब तो ये डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलो तो डॉक्टर साहब से मिलते हैं। ठीक, ओके सर। अपनी बॉडी को चेक करो ठीक से। ओके सर। ये कोई निशान है? सर इसके कोई हाथापाई और न चोट का कोई निशान है। देखो आदेश, ठीक से चेक करो ठीक से, कुछ तो कुछ मिलेगा। ओके सर। आदेश जी सर, इसके जूतों में कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्हें उतार कर देखो। ओके। सर इसमें तो कुछ नहीं है। इसके पैरों में कोई हो चोट का निशान? नहीं सर, पैर में भी कोई चोट का निशान नहीं है।
ना कोई हाथापाई का निशान, ना कोई चोट का निशान। इसकी मौत हुई तो हुई, कैसे आदेश? कैसे सर ये बताएगा इसकी मौत कैसे हुई है? तुमने कॉल किया था? हाँ सर। कौन है ये? दोस्त है। अच्छा तो ये बताओ तुम यहाँ करने क्या आए थे? सर मिलने आए थे। सर मिलने आए थे? मिलने का मतलब ये भी बाहर रहता है क्या? हाँ सर। कहाँ रहता है ये? सर इसने कभी बताया नहीं। कभी कभी आता था क्या? हाँ सर। ये बताओ जब तुम आए तो इसके पास कोई था या फिर तुमने किसी को जाते हुए देखा? नहीं सर। आदेश? जी सर। इसके करने का मतलब ये आया मिलने के लिए अपने दोस्त से, तब इसने इसको जमीन पर पड़ा हुआ देखा, इसने उठाने की कोशिश जरूर की होगी। उठाने की कोशिश की थी तुमने? हाँ सर। तब ये जिंदा था या फिर मर चुका था? मर चुका था। सर एक बार फिर चेक करता हूँ। ठीक से चेक करो पॉकेट। सर इस पॉकेट में कुछ है। निकालो। ओह माय गॉड। सर ये क्या है? चेक करो से है क्या ये? सर ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स का नशा करता था? जी सर। ये बताओ तुम्हें इसके बारे में पता था ये नशा करता है? नहीं सर नहीं पता था। एक काम करो आदेश, इसका बैग भी चेक करो। ओके सर। सर ये देखिए, ये तो बहुत। इसने अपनी मौत का पूरा इंतजाम कर रखा था। सर ये भी उसी की तरह नशेड़ी है जो पहले खून हुआ था। हाँ सर। डॉक्टर साहब ने भी बताया। जी सर। डेक्स की बदौलत इसका भी खून हुआ है। सर इसके पास तो 4-4 पैकेट हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितना बड़ा नशेड़ी है। सर इन ड्रग्स की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और जब तक कि कोई अगला व्यक्ति मारा जाए उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। जरूर। आगे से एक काम करो, ये ड्रेस को और बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। और तुम जब तक इस केस की इनपुट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। आदेश? जी सर। इसकी भी मौत उसी की तरह हुई है? हाँ सर। और सर एक बात और, ये भी सर इसके पास भी हमें ड्रग्स मिला था सर। हाँ। और जो पहली मौत हुई है उस लड़के की, उसके भी पास ड्रग्स था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी भी मौत ड्रग्स से हुई है। क्या हुआ सर? तुम क्राइम सीन पर कहीं पहुंचे थे? जो सर सड़क पर लाश मिली थी उसकी डिटेल लगा रहा था। डिटेल से कुछ पता चला? जी आदेश। डिटेल से क्या पता चला? उसका घर का एड्रेस और उसका नाम पता चला है आदेश। नाम? क्या नाम है? उसका नाम राकेश है और उसका गांव है माथुर नगर। माथुर नगर। और सर आप लोग आ रहे हो, उस केस का क्या हुआ? आकाश वहां पर भी एक हमें लाश मिली है, उसके पास भी हमें ड्रग्स मिला है। जो पहले वाले लड़के की मौत हुई थी उसके पास भी ड्रग्स था और इसके भी पास ड्रग्स था। शायद इसकी भी मौत ड्रग्स की वजह से हुई है। इसका मतलब आदेश इसका वही खून ड्रग्स से ही हुआ है? शायद, क्योंकि बॉडी से न तो कोई हाथापाई का निशान और न कोई चोट का निशान मिला है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रग्स से ही मौत हुई है उसकी, क्योंकि ओनली ड्रग्स मिला है उसके पास से हमें। और उसके बैग से भी ड्रग्स मिला था। अब हमने बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है, डॉक्टर साहब बताएंगे। अब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो ड्रग्स खुद लेता था या फिर सप्लाई करता था, क्योंकि ड्रग्स के पाउच उसके पास हमें काफी मिले हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है शायद इस ड्रग्स की वजह से, और तीसरी मौत हो उससे पहले हमें पकड़ना चाहिए उसे। आकाश जो तुमने राकेश का एड्रेस निकाला है उस एड्रेस पे जाओ और पता लगाओ ये ड्रग्स कब से लेता था और कहां से खरीदता था। ठीक? ओके सर। हाँ। आप लोग कौन? CIF से। तो आप इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ। ये कौन? भाई छोटा।
क्या हो गया इसको? इसकी मौत हो गई है। कैसे? ड्रग्स हो गई इसकी मौत। मुझे तो पता नहीं, ड्रग्स लेता था क्या करता था, मैंने कभी नहीं देखा उसको। तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था तुम्हें मालूम ही नहीं? मुझे तो पता नहीं वो ड्रग्स लेता क्या करता था। तुम्हारी भाई की मौत हो चुकी है तुम्हें पता भी नहीं है? नहीं सर मुझे कुछ पता नहीं, मुझे आपने बताया आगे मेरे भाई की मौत हो गई है। ड्रग्स लेता था क्या करता क्या नहीं करता मुझे पता नहीं था, मेरा भाई ऐसा निकलेगा। तुम्हें कभी शक हुआ तुम्हारा भाई ड्रग्स लेता था? नहीं सर मुझे कभी शक नहीं हुआ था मेरा भाई ड्रग्स लेता था। कभी घबरा हुआ आयो? नहीं कभी नहीं। ठीक है तो फिर सर मैं आके नहीं घर से आ रहा हूँ। वहाँ से क्या पता बनाया सर? उन्हें ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ड्रग्स के बारे में उनको भी नहीं पता? नहीं पता। और सर राकेश का मरने का पता भी उन्हें नहीं चला। और सर हमने ही जाकर उनको बताया। उसके घर वालों को यही पता नहीं चला क्या उसकी मौत हो गई? हेलो क्या ये गोलास अभी पहुंच रहे हैं? क्या ये गोलास सर? हाँ सर दो लाश तो पहले मिल चुकी हैं। अब वही तो, चलो देखते हैं। चलो ठीक है सर। एक बात नोट की आपने, ये सर यूनिफॉर्म में है। ये किसी कॉलेज की यूनिफॉर्म है आदेश? सर इस पे कुछ लगा है, शायद कॉलेज का नाम हो सकता है। आदेश एक काम करो। जी सर। एक इस बॉडी को चेक करो। सर बॉडी पे कोई हाथापाई का निशान तो लग नहीं रहा और ना कोई चोट का निशान लग रहा है सर। देखो ठीक से देखो। आपने कॉल किया था? जी सर। हाँ सर, सर। तो आपने इसे इसी हालत में देखा था? हाँ सर। इसके साथ कोई और था? नहीं, अकेला ही था। अकेला ही था। आपको इसने आपने इसको आते हुए देखा? नहीं, यहीं मिले थे। ये यहीं पड़ा हुआ हाँ। था शायद आपने किसी को देखा हो भागते हुए? नहीं सर, आसपास कोई नहीं था। कोई नहीं था। आदेश? जी सर। एक काम करो, इधर उधर देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। आदेश कुछ मिला? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं मिला है। सर कुछ नहीं है यहाँ। तुम लोग इसको जानते हो? नहीं सर, पहली बार देखा। सर आसपास कुछ नहीं मिला? आसपास कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। आपने शायद कभी देखा हो इसे? नहीं सर, पहली बार ही देखा है। आदेश? जी सर। अगर ये यूनिफॉर्म में है तो इसका बैग भी इसके साथ होना चाहिए। लेकिन सर इधर तो कहीं बैग मिला नहीं। ना इधर मिला। ठीक से देखो, जरूर मिलेगा। वो क्या है? सर इधर कुछ है? सर यहाँ एक बैग है। ओके सर।
सर शायद ये इसी का बैग है, इसमें बुक्स लग रही है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। ओके सर। आदेश इसमें केवल बुक्स हैं और बुक्स में इसका नाम करण दिया रहा है। करण दे रहा है सर। इस बॉडी को दोबारा चेक करें क्या, शायद कुछ मिले। हाँ? छूट रहा हो हमसे। आदेश ठीक से बॉडी को चेक करो, इसके पॉकेट भी। सर ये देखिए, ये भी सर उसी की तरह है, शायद ड्रग्स हो सकता है। सर ये दो पैकेट देखिए, इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है? ये ड्रग्स ही हैं। ड्रग्स हैं? हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा क्यों है, इसमें ज्यादा क्यों है? इसलिए ये यूज किया गया है शायद। और ये भी सर नशेड़ी है उसी की तरह हो सकता है, क्योंकि इसके शरीर पर कोई हाथापाई और ना कोई चोट लगने का निशान है। लेकिन सर ये तो स्टूडेंट है, ये भी सर, ये भी इसका शिकार हो गया। देख रहे हो सर, एक ड्रग्स के चक्कर में स्टूडेंट भी आने लगे। सर खतरा बढ़ता ही आ रहा है, इससे पहले कि कोई दूसरी मौत हो हमें इसे रोकना होगा। अब तो स्टूडेंट भी ये ड्रग्स लेने लगे। सर इस ड्रग्स की वजह से कोई और नौजवान मारा जाए उससे पहले उन्हें पकड़ना होगा। तो आदेश से काम करो, इस बॉडी को और ड्रग्स को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। और तुम दोनों सुन लो। हाँ सर। इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके सर। ठीक, अगर बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। अरे यहाँ कोई चीज यार, बोलते हैं ऐसा कुछ ना। अरे जाओ, मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दो ना, मिलता है या नहीं मिलेगा यार नहीं। हवाई क्यों लेके आए, इसे क्या चाहिए? भाई से प्रसाद दे दे। हाँ मैं इसे देता हूँ, आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए। सर मुझे बहुत सारी चाहिए, कोई का एक पीस दिखाओ तो कम से कम। इसे पैक कर दो, पैक कर दो बराबर। और हो तो दे दो, ये लो पैसे, बहुत सारे पैसे। और हो तो दे दो भाई। अच्छा तो ये बता, तू ये लाता कहाँ से? इससे क्या मतलब है, तो जितना चाहिए उतना तुझे मिलेगा। हाँ तो ये बता, तू लाता कहाँ से? मैं कहीं इतना बढ़िया माल है जो खा गए मेरा तो भाई, ओ जितने हो उतने दे दे। मैं कहीं से भी लाऊं, तुझे इससे क्या मतलब है? अरे यार ऐसा मत कर यार, जितने हो उतने पीस तो दे दे कम से कम। और ये लाता जितना दे रहा हूँ उतना ले ले, मैं ये भी नहीं दूंगा। अरे नहीं 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 सर, जो है वो तो दे दो। लाता कहाँ?
तुझे तुझे इससे क्या मतलब है? जितना चाहिए उतना मिलेगा, तुझे बोला ना। अरे तुझे देता कौन है, ये तो बता दे। तुझे इससे क्या मतलब है? अरे भाई भाई बता दे। अरे चाहिए, तूने हाथ क्यों लगाया? अरे हाथ किससे पूछ के लगाया तूने? अरे हाथ किससे पूछ के लगाया? नाराज किससे हो रहा है? अरे मिंटू इधर आ। अरे तू ये ऐसे बंदे को लाया ऐसे? अरे तू ही बताता कि नहीं? तू बैठ, तू बता कहां से लाया, कहां से? अरे किसने लाया तू ये बता। जितना चाहिए उतना माल दूंगा। मेरे बहुत सारा चाहिए, इतना पैसे लाता कहां से? है कौन? अरे है कौन पूछने वाला? मैं बता दूं कौन है? हां हां बता। हां बोल। मैं सीआईएफ से हूं। क्या किधर है, निकल गया दोनों? आता है देख, अच्छा नहीं होगा, देख बाहर निकल का, बाहर निकला कहाँ गए? गया ऑफिसर, तुझे मार खाने का इतना ही शौक है? अरे तू भी आ गया? अरे भाई तुम तो दो दो हाथ करने के मन में आए हो क्या? है? चलो मैं भी इसे रख लेता हूँ। चलो दो दो हाथ हो ही जाए। अच्छा ज्यादा मार खाने का शौक है तो ये ले। अच्छा तो ये बता, तू ये लाता कहाँ था? कहाँ से लाता था? तू ये जानता है ये ड्रग्स से कितने कितने नौजवान मासूमों की मौत हो गई इससे? ये जानता है ये क्या? हाँ ये कौन देता तुझे? सर एक लड़का आया था, उसने दिया था मुझे। वो कब आता है? वो सर हफ्ते में एक बार आता है। एक बार आता है ड्रग्स लेने। अब ये ड्रग्स तुम बेचोगे, वो भी हमारे कहने पर, और हम तुम पर नजरानी रखेंगे, और तुमने कोई होशियारी की तो जानते हो ना क्या हजर होगा। अच्छा ये बता वो कब लेके आएगा? वो सर कल लेके आएगा। वो कल लेके आएगा? ठीक, तुम अपना जो काम करते हो वो करोगे, और तुम? यस सर। तुम दुकान पर वो बेचोगे? ठीक, लेकिन तुम हमारी निगरानी में रहोगे। ओके ठीक है सर। चलो इतना टाइम हो गया लेकिन हम वो डक्स लेके नहीं आए।
सर मुझे लगता है यही है। हाँ चलो देखते हैं क्या करता है ये। वो ड्रग्स बिका या नहीं? वो वाला तो बिक गया और वो तो बताओ। इसमें ये वाली भी रख ले। सर एक बहुत बड़ी डील आई हुई है। बहुत बड़ी डील? कहाँ पर? वहाँ पे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें बैठा हुआ है। आप तो डील के लिए आया? हाँ मैं डील के लिए आया हूँ। उसे डील करनी है, मुझे माल चाहिए। अच्छा कितना चाहिए माल? मुझे बहुत सारा चाहिए और ये तुम्हारे पास मिल जाएगा ना? मुझे बहुत सारा चाहिए, मिल जाएगा? हाँ। ये बता तू लाता कहाँ से? हाँ? ये लाता कहाँ से? मुझे बहुत सारा चाहिए। ये माल चाहिए घुमा फिरा के बात मत कर, ये माल चाहिए ना। तुम ये जानता है तू मेरी क्या डील कर लेगा? अपने बॉस को बुला और उनसे बोल कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा ट्रक डीलर हूँ। अच्छा। हाँ मुझे उनसे ही बात करनी है डायरेक्ट, मुझे बहुत सारा चाहिए। हाँ हाँ तो ठीक है, बॉस से मिलाता हूँ। हाँ चलो ठीक है। हेलो सर, मैं उसके अड्डे पर पहुँच चुका हूँ और सर मैं लोकेशन शेयर कर दूँगा अभी आपको। जी सर आप कॉल पर रहना। ओके सर। चलो मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। ठीक बस देखो बारिश हो रहा है तो काफ़ी लेट है, हम अगर जाना चाहिए। ये क्या है? बहुत सही डील आई है। चलो से ही देखते हैं। ठीक है आ रहे हैं पहुंचो। हाँ तो बताओ कितना माल चाहिए तुम्हें? 10 करोड़। 10 करोड़ का माल चाहिए? ओके जी हाँ। पैसे लाए हो? पहले माल तो चेक कराओ। माल चेक कहाँ? दुकान पे माल देखा नहीं? उसे देखने से क्या होता है, क्या पता वो शायद दिखाने के लिए हो। नहीं दिखाने के लिए नहीं, दुकान पे तो मैंने माल देखा होगा। वो देखा है लेकिन उससे मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपनी आंखों के सामने देखना है। जी आपको अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लेते यूज। मनी अरे मनी क्या लेके आया इसे? इसे माल दिखाया नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे देखेगा आपने? माल दिखाया तो बस ना। अरे नहीं मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है। क्या क्या पता वो शायद ओनली देखने दिखाने के लिए। उस टाइम पे माल दिखाया नहीं था? अरे दिखाया वो। क्या यार ये बहसबाजी कर रहा है यार, मनी यार तेरे को समझ नहीं आ रहा। माल दिखा इसको, माल दिखा। अरे ये बताओ तो तुम ये काम कब कब से कर रहे हो? मुझे काफी समय हो गया है और मैं उस जगह का सबसे बड़ा ड्रग डीलर हूँ और मुझे काफी समय भी हो गया है इस काम को करते हुए। तुम्हें लगते तो नहीं हो, तुम्हारे जो बेदूता देख के लगता तो नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो मुझे और अपने आप को देखो, लग रहे हो कि तुम ड्रग डीलर हो। मेरा वेशभूषा ऐसा ही रहता है सर, लगता तो ऐसे जैसे कि 40,000 में महीने के मिलते हो। ऐसा ही है। 10 करोड़ लगी रहा है। वैसे ये बताओ तुम ये डील कर पाओगे? विश्वास नहीं है तेरे को क्या? बोल कैसे रहा है तू? चुप हो जा। क्या बात कर रहा है ये बता, तुझे माल चाहिए ना? हाँ। तो ऐसे लेके चला जा। तो दिलवाना क्या करेगा? चेक नहीं किया था ना? क्या चेक किया था? चेक किया करवाया था इससे पहले। फिर ये क्यों ज्यादा बोल रहा है? जानता नहीं तू मुझे? चुप्पू ज्यादा बोल रहा है तेरे? क्या बात है, कुछ ज्यादा कट रहा है तू? क्या यार तेरे पास 10 करोड़ है यार भाई के गले में देख रहा है तू ये और मेरे में देख रहा है ये? है कुछ ज्यादा फिर दिखा रहा है तूने? जो हमारे बॉस के सामने ऊंची आवाज में बात करता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। पता नहीं तेरे को, अरे तू समझेगा नहीं, तेरे शहर में अभी नए हैं इसीलिए तू अपना काम बता और जल्दी बोल। क्या आवाज है तेरे को? क्या काम पर ध्यान दे, तुझे क्या जो चाहिए सर? टाइम चाहिए उतना बता, लेके जाना है तो जा और रहने दे निकल जहां से। हां चल दे तो।
पैसे तो दे, जो मांग रहे हैं वो तो दे। एडवांस क्यों दे दे भाई, एडवांस भी दे के जाएगा। क्या बोला औकात, अपने जगह पर तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। क्या बोला तू? ठोक दूं क्या? एक मिनट, नहीं छोड़ डैड। भाई ने बोल दिया इसलिए होगा तो ठोक देता अभी। तेरे को मैं बोला था ना यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करने का, समझा? समझा? समझ गया तेरी बात को। और तुझ बोल तो आप माल चाहिए तो ले होना निकले यहाँ से। ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, तुमने मेरा भाई मार दिया। अब क्या देख रहे हो, मुझे भी पकड़ लो। आदेश,
तुम्हारी वजह से 3-3 लोगों की मौत हो गई। तू ये बता आया कहाँ से पहले? सर मैं आया कर रही हूँ। फिर कहाँ का है? सर मैं दूसरे देश का हूँ। ना तेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इंडिया में जाके ये ड्रग्स सप्लाई करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे? सर मेरे देश में तो बेचता है सर, मैंने सोचा कि अगर इंडिया में बेचूंगा तो इंडिया में और ज्यादा कमाई होगी। अपने अपने देश की तुलना इंडिया से कर रहा था। मैंने तो जब ही पता कर लिया जब उस शॉपकीपर से हम मिले। लेकिन मिलना तुझसे था, तेरे चमचों से नहीं। इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला आया मैं तेरे उसके कहने पर। अब जाना जेल में और करते रहना ड्रग्स सप्लाई फांसी का ऑर्डर आने तक।